नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार, मैं हूं साक्षी पत्रा। नमस्कार, एक ऐतिहासिक दिन, मैं हूं आपके साथ सुमित। भारतीय बाजार जो कि अपने नए शिखर पर कामकाज कर रहा है, 9400 को जल्द ही निफ्टी देख सकता है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 9383 का लेवल निफ्टी फिलहाल दिखा रहा है और महज 17 अंक दूर है 9400 के, तो यानी कि एक नया ऐतिहासिक लेवल बाजार छू सकता है। और आज भी इसने अपना नया हाई रिज्यूम किया, ना केवल बल्कि उसे तोड़कर एक नया हाई बनाया भी। सेंसेक्स जो कि 30,000 के ऊपर है और 30,200 के करीब अब सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही इंडेक्सेज अपने ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहे हैं, यानी कि रिकॉर्ड स्तरों पर ये दोनों ही इंडेक्सेज कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक बाजार में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हाँ अभी भी रिकॉर्ड स्तरों से थोड़ा सा दूर है, करीब करीब 50 अंकों की दूरी यहाँ पर देखने को मिले। 22,802 का स्तर निफ्टी बैंक में है। निफ्टी ऑटो जो कि 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। फार्मा शेयरों में आज खरीदारी लौटी है, जिसमें बायोकॉन दबाव के साथ था, लेकिन कुछ पुलबैक वहाँ पर जरूर आया है और कुछ और फार्मा शेयर जो है वो भी अब तेजी दिखाने लग गए हैं। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है आधा, इनफैक्ट जो बाजार की तेजी है उसमें मेजरली कंट्रीब्यूट ही चार दिग्गज कर रहे हैं, जिसमें ITC है, HUL है, रिलायंस है और भारतीय है। चार ऐसे नाम है जो कि बाजार की तेजी में काफी तक सपोर्ट कर रहे हैं और उसी वजह से बाजार में जोरदार तेजी है। HUL 5% ऊपर रिकॉर्ड स्तरों पर, इनफैक्ट FMCG स्पेस को आउट परफॉर्म करने वाली कंपनी बन चुका है और इस साल में ये शेयर करीब करीब 18% का रिटर्न पिछले 6 महीने के दौरान ही दे चुका है, जबकि सेक्टर ने करीब 11% रिटर्न दिया। तो एक जोरदार तेजी HUL की तरफ से आई है। औरोबिंदो फार्मा पार्टिसिपेट करते हुए न्यूज फ्लो भी अच्छे थे, FDA की मंजूरी मिली, उसके बाद तेजी है 3% ऊपर। M&M 2% ऊपर और भारतीय एयरटेल नंबर्स के बाद करीब 3% का उछाल दिखा रहा है डे हाई के आसपास। ये सभी शेयर मोरलेस कामकाज कर रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट नंबर से ठीक पहले 2% ऊपर है। HDFC, अदानी पोर्ट और कोटक महिंद्रा बैंक कुछ और ऐसे नाम है जो कि तेजी दिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली, जोरदार तेजी के बीच आज के इस शो की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस सिमी भौमिक हैं हमारे साथ और मिस्टर संजीव जैन भी हमारे साथ आज के सेशन में मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फटाफट से आपको तरीका भी बता देते हैं, अगर आपके पास अपने पोर्टफोलियो को लेकर, शेयर्स को लेकर कोई भी सवाल है तो तुरंत ही उठाइए अपना फोन। हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 1-800-1803545 पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही एक ऑल्टरनेट नंबर भी आपको दिया जा रहा है 01204258237 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए या फिर SMS के जरिए भी हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। माध्यमों के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज बुधवार का दिन है और है गुजरात स्पेशल। पहले आधे घंटे में गुजरात के सभी दर्शकों से हम बातचीत करेंगे और उनके सवाल लेंगे। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। आज के जो पहले दर्शक का सवाल हमारे पास आया है, इनफैक्ट हमारे साथ सूरत से देव का फोन आया है, उनसे बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग देव, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। अब UCL के 1000 शेयर से 2 साल पहले 175 से खरीदा था, अभी भी मैं होल्ड करना चाहता हूँ 2 साल के और, तो मैं होल्ड करना मेरा सही डिसीजन रहेगा मैम। चलिए ठीक है, अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पर हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और 2 साल के लिए आप रुक सकते हैं, ऑलरेडी आज के सेशन में भी 2% तक की तेजी है। जान लेते हैं एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। सिमी आपसे जाना चाहेंगे, GOCL कॉर्प 1000 शेयर्स 175 के भाव पर काफी अट्रैक्टिव प्राइस पर खरीदारी की, 456 के करंट लेवल्स भी देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके की चाल आगे 1-2 साल के लिए आप देख रहे हैं और इनको क्या सलाह देंगी? ऑलरेडी जो ह्यूमंगस प्रॉफिट इनको हो रहा है, क्या यहाँ पर पार्शली बुक करना चाहिए या फिर अभी भी स्ट्रॉन्ग सर्च एक्सपेक्टेड है? गुड मॉर्निंग साक्षी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक ऑल टाइम हाई पर है और यहाँ से भी ये आगे जा सकता है। करेंटली ये 465 के आसपास एक हल्का सा रेजिस्टेंस है जो कि कल का इसका हाई था। अगर 465 का लेवल क्रॉस करके ये सस्टेन करेगा तो धीरे धीरे ये 490-500 के आसपास जाके सेटल करेगा। ओवरऑल चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि ऐसा चार्ट में हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक को होल्ड करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंट लेवल से थोड़ा सा नीचे होगा, 419-415 ये रेंज इसके लिए अभी मेजर सपोर्ट एरिया हो जाएगा। अब कोई भी डीप में आता है, जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक कोई वीकनेस नहीं आना चाहिए। 415 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए, 500 का मिनिमम टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में भी अचीव कर सकता है ये स्टॉक, होल्ड कीजिए। जी चलिए, तो एक आपको रणनीति बताई जा चुकी है GOCL को लेकर। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए जैमिन है, अहमदाबाद से मौजूद है। जैमिन साहब नमस्कार। जैमिन आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जैमिन साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा पे सवाल है, मैंने 177 पे लिया हुआ है। ओके, अभी 187 से अराउंड चल रहा है, तो उससे क्या करना चाहिए? चलिए, 10 रुपए पर शेयर का मुनाफा तो है आपको, आपका अनुमान क्या था, यही मुनाफा आप लेना चाह रहे थे या कुछ और आप रुक सकते हैं समय के लिए?
नहीं, ये मेरा अराउंड 200 का है, जैसे पीएसयू सेगमेंट में अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से अभी मोस्ट प्रोमिनेंट वीओ भी लग रहा है तो। जी संजीव, आप क्या राय रखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे? मुनाफा तो इन्हें हो रहा है करीब 10 रुपए पर शेयर का, लेकिन ये और समय दे सकते हैं, अगर समय दिया जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहां तक जा सकता है? गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में मैं एक पॉजिटिव व्यू रखता हूं। एक अच्छी बैंक है, भारत सरकार की टॉप 3 बैंक के अंदर में आती है, और देखिए बैंक के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखेंगे तो रेगुलेटर के स्ट्रिंजेंट नॉर्म से काफ़ी ऊपर बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी बैंक का 64% के आसपास का है, जो एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है। और देखिए जैसा कि अभी आरबीआई की गवर्नमेंट की एफर्ट चल रही है कि बैंक के एनपीओ में एनपीओ को सुधारना है, तो डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा, इंटायर पब्लिक सेक्टर बैंक में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ सकता है। पर पार्टिकुलर बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छी बैंक है तो होल्ड किया जा सकता है। और जैसा इन्होंने कहा कि इनका टारगेट 200 का है, तो इनका 200 का टारगेट नियर टर्म में मुझे अचीवेबल लगता है, तो होल्ड करें। श्योर, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है, आप अपने पोजीशन को बने रहिए और आगे भी यहाँ पर ह्यूज अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेस्ट। चलिए तो अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अब सुमित जुड़े हैं। नमस्कार सुमित जी, पूछिए अपना सवाल। दो शेयर, एक ग्लेनमार्क फार्मा, ठीक है, किस भाव पर खरीदा है? 934, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंसर्न जरूर है, 876 करंट भाव लग रहा है। आपने कब खरीदे थे शेयर? हम 10 मंथ्स होल्ड कर सकता है, ठीक है, और 10 महीने आप पोजीशन बनाए रह सकते हैं। और आपका दूसरा शेयर बैंकिंग स्पेस पर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 320 में है, ठीक है, दोनों पर ही आपको राय दिलवा देते हैं। सिमी, पहले तो ग्लेनमार्क फार्मा पर देखिए, ऑलरेडी पूरे फार्मा स्पेस में जो रेगुलेटरी ओवरहैंग है वो प्ले आउट कर रहा है। आज के सेशन में हालांकि थोड़ा अपटिक जरूर है, लेकिन इन्होंने जब खरीदारी की थी उससे तो काफी नीचे आ चुका है, 876, और ये एक साल तक रुक सकते हैं अपनी पोजिशन पर। यहां पर इनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट लेवल्स पर आपको कैसा लग रहा है? 320 पर इन्होंने खरीदारी की है। सबसे पहले मैं स्टेट बैंक के लिए बताऊं, क्योंकि स्टेट बैंक कभी स्ट्रांग है और पूरा सेक्टर ही चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक करेंटली जहां पे ट्रेड कर रहा है इस जगह से भी आगे और जा सकता है ऊपर। बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए 310 से 320 का टारगेट रखना चाहिए। ओवरऑल नीचे 292 से 288 के बीच में सपोर्ट है। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड किया है तो भी मुझे लगता है कि कोई भी डिप में खरीदारी फ्रेश किया जा सकता है। 292 का स्टॉप लॉस 288 या 87 के नीचे रख के 320 का टारगेट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। ओवरऑल एक अच्छा चार्ट है, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि स्टेट बैंक अगर यहाँ से आपका 4-5 साल का भी नज़रिया हो तो भी आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो स्टेट बैंक के तो मेरा थम्स अप है, होल्ड कीजिए अब जरूर। ग्लेनमार्क फार्मा आपका परचेस प्राइस ही, ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है, और ओवरऑल अगर देखेंगे तो चार्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा सेंटिमेंट तो नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जो रैली लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में दिखा रहा है, इनफैक्ट आज भी ये स्टॉक स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म का कोई पोजिशन कोई होल्ड कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट अगर इसमें मिल रहा है तो एक बार के लिए इस रैली को यूज़ करना चाहिए एग्जिट करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी इस मोमेंटम में 890 से 900 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा ऐसा नहीं लग रहा है। वही इसका इस मूव का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, और जब तक वो रेंज क्रॉस करके ये स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसका जो ट्रेंड में ओवरऑल वीकनेस है ये चेंज नहीं हो सकता। तो मुझे 900 तक इंतज़ार है, कोई रैली 900 तक मिलते ही आपको एग्जिट करना चाहिए था। आप अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हैं तो फंडामेंटली भी जाँच कर लीजिए, बट टेक्निकली दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी वीक। जी मोहन से बातचीत कर लेते हैं, मौजूद है हमारे साथ। मोहन जी नमस्कार। मोहन आप सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर, मोहन बोल रहा हूँ। नमस्कार मोहन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा एक साइड का शेयर है सर, आनंद 66 को भाव पे लिया है। कब की खरीदारी मोहन जी आपकी है? 1150 शेयर है सर मेरा, और मेरा अगला टारगेट क्या पता करना चाहता है। खरीदारी कब की आपकी मोहन जी? खरीदारी 2007 में लिया है सर। 2007 में? हाँ सर। काफी पेशेंस रखा आपने इसके अंदर, अब आप क्या और होल्ड कर सकते हैं या निकलना चाहेंगे?
नहीं और होल्ड कर सकता हूँ कर सकते हैं ओके संजीव क्या राय रखते हैं आप एक साइड पर मुनाफा तो इन्हें अच्छा खासा है लेकिन पेशेंस बहुत इन्होंने दिया भी है लेकिन उतना रिटर्न नहीं है जितना इन्होंने समय दिया इसको क्या और ज्यादा रिटर्न की उम्मीद लगाएं अगर इस अभी भी और टाइम देते हैं तो या निकल जाए कहीं और निवेश करें देखिए सुमित यू नो एक्साइड इंडस्ट्री नो डाउट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और मैं एक पॉजिटिव व्यू भी रखता हूँ पर क्योंकि यू नो स्ट्रेटजी वाइज अगर बात की जाए तो देखिए इनके खरीदी प्राइस से यू नो काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्हें अभी यहाँ पर मिल रहा है तो इन्हें अराउंड 40% या 50% के आसपास प्रॉफिट बुक करनी चाहिए अब देखिए अगर एक्साइड इंडस्ट्री की मैं फंडामेंटली बात करूँ तो एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है और सेक्टर में एक अच्छा प्रेजेंस भी है तो ओवरऑल यू नो स्ट्रेटजी वाइज 50% प्रॉफिट बुक करें 50% होल्ड के होल्डिंग रखें तो इन्हें बेटर रिटर्न गोइंग फॉरवर्ड मिल सकता है ठीक है पार्शली प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज में दी जा रही है उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं